उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनरियों की भारी मांग है। चुनरी अमूमन हल्के सूती या रेशम से बनी होती हैं। इसका इस्तेमाल देवी दुर्गा की मूर्तियों को सजाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि शुरू होने में चंद ही दिन बचे हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनरियों की भारी मांग है। चुनरी अमूमन हल्के सूती या रेशम से बनी होती है। इसका इस्तेमाल देवी दुर्गा की मूर्तियों को सजाने के लिए किया जाता है। इसे सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मेरे डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, आते हैं यहाँ यहाँ से लेके जाते हैं, बढ़िया बिकता भी, यहाँ से कई जगह माल जाता भी है। लेकिन बात करें तो जब नवरात्र आता है तो नवरात्र में किस तरीके के लोगों में चुनरी की डिमांड होती है? चुनरी की डिमांड बहुत अच्छी होती है, मान लीजिए कि सब लेते भी हैं, अपने हिंदू धर्म में ज्यादा होता है। तो मतलब नवरात्र में डिमांड काफी होती है। इसका नवरात्र में इतना डिमांड होता है कि जिसका कोई सीमा नहीं। ये बड़ा नवरात्र है और इसमें जैसे असम हुआ, ये दार्जिलिंग से बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल, ये सब जगह से बड़े व्यापारी आते हैं। 9 दिन चलने वाली शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इसे देश विदेश में धार्मिक रीति रिवाजों, उल्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाते हैं।